नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है आज और दो पालियों में परीक्षा होगी। इसमें सुबह 10 से 12 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। यानी 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है और 48 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। तो परीक्षा को लेकर सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई लापरवाही ना हो, कहीं पे किसी तरह की नकल ना हो। तो एसटीएफ जिला प्रशासन की टीमों को भी लगाया गया है और परीक्षा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौथे दिन 22 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और अब तक 27 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा केंद्रों पे 3 स्तर की चेकिंग है, यानी 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई सॉल्वर गैंग का सदस्य वहां तक ना पहुंच पाए, किसी तरह की कोई नकल ना हो पाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए परीक्षा में। तो परीक्षा केंद्रों पे 3 स्तर पे चेकिंग की जा रही है और आईडी देख के ही मजिस्ट्रेट एंट्री देंगे। 2300 मजिस्ट्रेट परीक्षा के कामों में लगाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पे 3 स्तर पे जो चेकिंग है वो की जा रही है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं पर किसी तरह से कोई सॉल्वर गैंग का सदस्य अंदर तक ना पहुंच पाए, कोई संदिग्ध ना पहुंचे, कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई नकल ना हो। तो 60,244 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा है और कुल 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा की तारीखें तय की गई थी। दो पालियों में ये परीक्षाएं हो रही हैं। आज भी दो पालियों की परीक्षा है। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक की पहली पाली की परीक्षा होगी और दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक होगी। तो रोडवेज में फ्री सफर की व्यवस्था की गई है। आईडी दिखा के परीक्षार्थी फ्री सफर कर सकते हैं। तो हाईटेक सुरक्षा है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट। ये 8 तस्वीरें अलग अलग शहरों की, लखनऊ, नोएडा, संभल, गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर, बरेली और जालौन की ये तस्वीरें, जहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एक एक को चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है और अंदर जाने से पहले 3 बार का सुरक्षा घेरा। आईडी देखी जाएगी, पूरी तरह से पहचान की जाएगी, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसमें चाहे स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल फोन हो, बेल्ट हो, इस तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि नकल ना हो पाए और जो सॉल्वर गैंग है उसका कोई सदस्य अंदर ना पहुंच पाए, क्योंकि कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी अलग अलग केंद्रों से हुई है और उसी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। तो सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पे 3 स्तर की चेकिंग की जा रही है और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। 5 दिन इसके लिए तय किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। आज आखिरी दिन है। आज दो पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अड़तालीस लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है। एसटीएफ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसमें एक्टिव और अलर्ट। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा को लेकर सीएम योगी खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं। चौथे दिन 22 संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे,
आज पांचवा दिन है और अब तक 27 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। तो परीक्षा केंद्रों पे 3 स्तर की चेकिंग हो रही है। तो गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता और हरदोई से आशीष हमारे साथ हैं। हरेंद्र, क्या व्यवस्थाएं, कैसी तैयारियां? आज चूंकि परीक्षा का आखिरी दिन है, 2 पालियों में परीक्षा होगी, कैसी व्यवस्थाएं? और राजस्थान के इस समय हम से 20 किलोमीटर दूर चौरी चौरा कस्बे में स्थित है एक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र पर। खासतौर से हम वो नजारा दिखाना चाहेंगे कि वहां का नजारा यह है कि खासतौर से 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, खासतौर से अभ्यर्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह से उन लोगों की सघन तलाशी की जा रही है, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और किस तरह से लोगों को एक एक करके एंट्री दी जा रही है अंदर। खासतौर से जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खासतौर से जो भी बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को बाखूबी पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक कराए जा रहे हैं, आधार कार्ड मिलाए जा रहे हैं। यही नहीं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, इस बार की परीक्षा कैसी हो रही है? बहुत सही हो रही है सर, बहुत सघन चेकिंग बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छे काम किया। हम आए यहाँ अपना बलिया जिला से सर। बलिया जिला से? जी। आने जाने में किसी तरह की दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार मुफ्त बस की भी व्यवस्था की हुई है और बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है सर। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं की गई है। व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरह से की गई है। बायोमेट्रिक बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे अंदर एंट्री कर रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन भी एक एक करके जो है कि सुरक्षा के जितने भी इंतजाम और सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का फॉलो करते हर केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र के लोग जितने शिक्षक हैं, जितने सुरक्षा कर्मी हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिए महिला पुलिस कर्मी लगाए गए हैं, पुरुष के लिए पुरुष पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से किसी भी छात्र को किसी तरह की असुविधा न हो, आने जाने में दिक्कत न हो, सेंटर खोजने में न दिक्कत हो, सरकार पूरी तरह से कटिबद्धता के साथ परीक्षा करा रही है। आज 9वें पाली का परीक्षा हो रहा है, शाम को 10वें पाली का, यानी 5 दिनों में जो दो दो पाली करके परीक्षा हुई, आज परीक्षा की आखिरी दिन है और परीक्षा के आखिरी दिन पूरी मुस्तैदी के साथ जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की और जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से मुस्तैदी के साथ परीक्षा दिलाने का काम जिला प्रशासन गोरखपुर का कर रहा है। अभी तक हमने दिखाया खास तौर से कि ग्रामीण महानगर के जो सेंटर है वहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है। इस समय 5वें दिन और 9वें पाली में हम पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्र के सेंटरों में जो हाईवे से नजदीक है, रेलवे स्टेशन से नजदीक है और वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है उसका नजारा हमने अपने दर्शकों को दिखाया। खास तौर से सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस परीक्षा कराने में कहीं किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हाँ। और खास तौर से पूरी मुस्तैदी दिखाते नजर आ रहा है। ठीक है आशीष, हरदोई में क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है परीक्षा शुरू होने में। देखिए, आज परीक्षा का आखिरी दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीपीसी परीक्षा चल रही है और ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कई हरदोई में 11 केंद्र बनाए गए हैं और कुल अभ्यर्थी 39,360 से कईयों ने परीक्षा छोड़ दी है। 13 केंद्रों पर ठीक निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न हो रही है। आज आखिरी दिन है जिसको लेकर क्लियर व्यवस्था पुलिस की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और खासकर राजस्व कर्मी चेकिंग प्वाइंट पे लगाए गए हैं। वो राजस्व कर्मी अभ्यर्थियों को चेक कर रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने दे रहे हैं। क्लियर व्यवस्था है, कहीं पर भी छूट नहीं होगी, निगरानी में परीक्षा हो रही है। अगर बात करें
जिले के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर भी यानी सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर जमाए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई खुराफात खुराफाती न करे। सीएम योगी का जैसे कि निर्देश था कि ये परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी और 100% निष्पक्ष तरीके से अधिकारी कराएंगे, उसी को लेकर जिले के नीरज कुमार जादौन और डीएम मंगला प्रसाद सिंह लगातार लगे हुए हैं, केंद्रों पर जा रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, भारी मात्रा में सड़कों पर फोर्स लगाया गया, इसलिए कोई भी खुराफाती तत्व या इस तरीके की कोई घटना न हो पाए जिसको लेकर परीक्षा का नाम खराब हो, उसको लेकर लगातार अधिकारी बैठ कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे सामने देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र है जो परीक्षा के अंदर जा चुके हैं, 10 बजे से परीक्षा चालू हो जाएगी और ठीक 12 बजे समाप्त होगी, दूसरी पाली भी परीक्षा होगी। आज आखिरी दिन है जिसको लेकर अगर हमने बात करें परीक्षार्थियों की, तो उनसे हमने बात की तो वो काफी खुश है क्योंकि ये परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो रही है और जो परीक्षार्थी उनका कहना है कि आज आखिरी दिन है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है सरकार और शासन और प्रशासन जिस तरीके से परीक्षा करा रहा है और सख्ती परीक्षा हो रही है, तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी भी खुश है और परीक्षा का आखिरी दिन है और पूर्ण तरीके से निष्पक्षता का ख्याल रखा जा रहा है। अगर संभव हो तो, क्योंकि आप केंद्र के बाहर हैं, यहाँ किस तरह की हलचल है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या आप वो दिखा सकते हैं और अभ्यर्थी कैसे पहुंच रहे हैं, उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की दिक्कतें होती हैं परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में। देखिए, रोडवेज से लेकर ट्रेन की व्यवस्था की गई है जिसको लेकर सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि हर दो स्टेशन पर उनको अभ्यर्थियों को उतारती है। रेलवे स्टेशन पर रुकने की भी व्यवस्था अधिकारियों ने की है। ठीक हमारे पास केंद्र के सामने देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ पर लोग मौजूद है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो अंदर जा चुके हैं, जितने भी अभ्यर्थी है अंदर जा चुके हैं। केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष तरीके से अभी 10 बजे चालू हो जाएगी, जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश दिया था कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, अधिकारी उसी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, चाहे जिले के कप्तान हो चाहे जिले के डीएम हो, लगातार वर्किंग में लगे हैं। गेरा केंद्र है और गेरा केंद्र पर जा जाकर देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई घटना ना हो, जिसको लेकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ असद भी है रायबरेली से। असद, रायबरेली में किस तरह की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, परीक्षा का आज आखिरी दिन है और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में पहले से ही कर चुका है तैयारी और लगातार 11 केंद्रों पर जो परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं, जो उनको परीक्षा देना है, उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था में भी जिला प्रशासन लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं, खुद हर्षिता माता अधिकारी और अभी कर रहे हैं, सभी केंद्रों पर जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी को कराया जा रहा है और किसी भी तरह की दिक्कत न हो, किए गए हैं बकायदा प्रशासकों से पूरी चेकिंग करने के बाद उनके आई कार्ड आधार कार्ड उसको देखने के बाद उनको केंद्रों पर अंदर भेजा गया है। 10 बजे से जो परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे परीक्षा अधिकारी हर्षिता माथुर और अभिषेक अग्रवाल लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई भी जिला प्रशासन सरकार की तरफ से गाइडलाइन की गई है उसका कड़ाई से पालन करा रहा है। आपने दिखाया इस केंद्र में कैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आने के लिए कई बार कई तरह की दिक्कतें अभ्यर्थियों को होती हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, वो वक्त पे केंद्र पहुंच पाए। अगर बात करें परेशानी की, तो खासतौर से जो छात्र दूर दराज से आ रहे हैं उनका हम नजारा दिखाना चाहेंगे कि जो दूर दराज से आने वाले हैं, खासतौर से गोरखपुर में जो सेंटर पड़े हैं, ये सेंटर बाहर से आए हैं, क्योंकि जिले का सेंटर अलग अलग स्थानों पर पड़ा है और खासतौर से लोग पहुंच भी रहे हैं और लोग अपने अपने बारी का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके लोगों की एंट्री ली जा रही है। सबसे बड़ी बात रही कि जो इस बार प्रशासन ने और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया कि जो भी सेंटर है वह एनएच के करीब रहेंगे या रेलवे स्टेशन रोडवेज के करीब रहेंगे, ताकि अभ्यर्थी को किसी तरह से सेंटर पर पहुंच केंद्र पर पहुंचने के लिए किसी तरह की असुविधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए खासतौर से इसका ध्यान रखा गया है और परीक्षार्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं और जो भी शासन का गाइडलाइन है, निर्देश है, उसको गाइडलाइन का पालन कराने में
जो लोग सुरक्षा कर्मी हो या जिनकी ड्यूटी लगाई गई है खासतौर से, उनकी ड्यूटी कराने के लिए खासतौर से वो लोग तत्पर तैयार हैं। और यही नहीं कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था सरकार पर कि सरकार किसी तरह की परीक्षा में विफल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखा दिया कि परीक्षा विफलता से नहीं, सफलता से और संघर्ष से कराई जाती है। पुलिस परीक्षा में जिस तरह से संघर्ष करके परीक्षा कराई जा रही है, खास तौर से कई मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारी लगाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट जोनल अधिकारी बनाए गए हैं, और खास तौर से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात, चाहे सीसीटीवी कैमरे की हो या जांच पड़ताल की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के अंदर जाने की बात हो या सघन तलाशी की बात हो, काफी उस पर जो है कि निगरानी की जा रही है। और निगरानी के लिए देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी एक एक अभ्यर्थी की जांच पड़ताल करते नजर आ रहे हैं। और नजर आने के साथ साथ आपको बता दें कि पूरी परीक्षा केंद्र जितने भी बनाए गए हैं सभी पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और ये इंतजाम तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरदोई से की अगर बात करें आशीष, तो हरदोई में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि केंद्रों तक, परीक्षा केंद्रों तक जो अभ्यर्थी हैं जो कि दूर दूर से आ रहे हैं वो वहां पे समय से पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, या उन्हें किसी आने जाने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? बात करें तो अभ्यर्थी 10 बजे परीक्षा चालू होगी, अधिकारियों को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो भी अभ्यर्थी अगर देरी हो रही है तो उनको डायल 100 द्वारा भिजवाया जा रहा है। पुलिस वर्किंग यानी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अभ्यर्थियों का सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि सरकार चाह रही थी कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो और पूरा प्रशासन उनका सहयोग करे अभ्यर्थियों को। तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी लेट हो रहे हैं या इस तरीके से हो रहे हैं तो उनको पुलिस के कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। और केंद्रों की बात करें तो अधिकतर जितने भी केंद्र हैं वहाँ पर 9 बजे के करीब सारे अभ्यर्थी अंदर हो गए हैं। अब अंदर चेकिंग के बाद उनको परीक्षा 10 बजे से परीक्षा उनकी चालू होगी और ठीक 12 बजे परीक्षा संपन्न हो जाएगी। परीक्षा अगर यहाँ पर उसकी बात करें, मुस्तैदी की बात करें, तो लगातार पुलिस बल पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगे हुए हैं। कहीं पर भी अनहोनी ना हो जिसको लेकर जवान राजस्व कर्मी अधिकारी सब वर्किंग कर रहे हैं। रोड पर 200 मीटर के एरिया में केंद्र के अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं है। लगातार परीक्षा केंद्रों पर जो पुलिस के जवान हैं मुस्तैद हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं। परीक्षा केंद्र का परीक्षा का आज आखिरी दिन है, ठीक आज के बाद 5 दिन की परीक्षा ठीक आज पूर्ण हो जाएगी और अभ्यर्थी जो है अपना बाद में अपना परिणाम देखेंगे। हालांकि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कह सकेंगे हो चुकी है पूर्ण, आज शाम तक पूर्ण हो जाएगी। जी, परीक्षा कहीं ना कहीं उसी तरीके की तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन असद, अगर रायबरेली की बात करें तो यहां पे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं कि लोग पहुंच ना पाए वहां पे, अगर दिक्कत हो रही है किसी तरीके से तो उनको वक्त पे वहां पहुंचाया जा सके? तो जिला प्रशासन ने पहले ही ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी के अध्यक्षता में ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जो भी परीक्षा केंद्र है वो रोडवे से और रेलवे स्टेशन से नजदीक रहे, क्योंकि प्रशासन को किसी भी तरह की जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, वो सेंटर तक पहुंच सके। इसके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था उन्हें डायल 100 के तौर पर चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर देर होती है उसको तो उसको डायल 100 से वहां तक पहुंचाया जाए परीक्षा केंद्र तक, साथ ही साथ परीक्षा संपन्न हो। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी पहले से ही, और 11 केंद्रों पर लगातार जो जिलाधिकारी है और पुलिस अधीक्षक जो है संयुक्त रूप से हर केंद्रों पर पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम केंद्रों पर किए गए हैं, चाहे वो केंद्रों पर पानी की व्यवस्था हो या अन्य चीजों की व्यवस्था है वो छात्रों के लिए कराई गई है कि किसी भी तरह की किसी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेडिकल की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य की टीमें लगाई गई है कि कोई भी अगर बीमार पड़ता है या आता होता है, गर्मी बहुत है उस कारण अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेडिकल फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध है, इसका भी जिला प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो सरकार की मंशा थी कि निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए उसको सफल बनाने में जिला प्रशासन ने अपनी जितनी मेहनत की है वो सामने दिख रही है। जो
11 केंद्रों पर अभी तक रायबरेली में अगर बात की जाए तो उसमें एक नकलची भी पकड़ा गया था, और अब कुशल ये परीक्षा निपटाने में जिला प्रशासन का अहम योगदान जरूर कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, चूंकि अब से कुछ देर में परीक्षा शुरू होगी 10 बजे, तो जाहिर है उसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, ताकि कोई सॉल्वर गैंग जो है वो सक्रिय ना हो पाए और किसी भी तरह से कोई नकल ना हो पाए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए।